ऐसे खोजकर्ता जिनके आविष्कार ने उनकी ही जान ले ली। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्रांस राइकल्ट की, जो कि एक टेलर थे। 1910 में उन्होंने एक ऐसा पैराशूट बनाने की कोशिश करी जिसे पहनकर कम ऊंचाई से भी कूदा जा सके। लगभग 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद फ्रांस ने ये पैराशूट तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इन पैराशूट्स को डमीज और पुतलों पर ही ट्राई किया था और वो सफल भी रहे। जिसके बाद फ्रांस ने सोचा कि अब ये पूरी तरह से तैयार है और इसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये एफिल टावर से कूदकर इस पैराशूट का कमाल दिखाएंगे। 4 फरवरी 1912 को फ्रांस अपने पैराशूट का जलवा दिखाने के लिए एफिल टावर पर चढ़ गए, जिसे देखने के लिए वहां काफी पब्लिक जमा हुई। सुबह 8:22 पर उन्होंने टावर से छलांग लगा दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पैराशूट खुला ही नहीं। इस तरह इनके आविष्कार ने ही ले ली इनकी जान। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें।